ये महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ का आकाशवाणी केंद्र है और आप सुन रहे हैं करिश्मा मैडम की आवाज डॉट नहीं ऐसे ही ये मुझे नहीं सुना रहा था तो मैंने इसको सुना दिया। मैडम आप ऐसे ही खाली बैठे तो नहीं बिजी है? मैं ऐसे ही खाली पूछ रहा हूँ। ये हसीना मैडम का सस्पेंशन कैंसिल हो गया है क्या? फुल एंड फाइनल हो गया क्या? नहीं आपको मदद चाहिए तो मैं कुछ करूं? तो तुम हमारा मदद करोगे? तुम कमिश्नर हो का बे? नहीं नहीं हम कमिश्नर नहीं है लेकिन हम वो है जिनके वजह से आप जैसे हसीना मैडम जैसे एक दिन कमिश्नर बन जाते तो बिल्लू गोरे एक दिन आप ही कमिश्नर बन जाओगे तो करू। ए बिल्लू क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? क्यों छेड़ रहे हो करिश्मा मैडम को? है? अरे वैसे भी वो कितनी परेशान है दिख नहीं रहा है तुमको? अच्छा आपको कैसे पता पुष्पा जी कि आज हम परेशान हैं? तो फिर हमारे और लल्ला के उठने से पहले ही आप घर से क्यों निकल जाती हैं? One point. क्योंकि वो अंगद का चार्ज शीट बनाना था हमें इसीलिए। अब कभी एक पॉइंट। हाँ हाँ सब पता है हमको। अगर अंगद की चार्जशीट समय पे फाइल नहीं की ना तो हसीना मैडम इनकी चार्जशीट फाइल कर देगी ना इसीलिए। तीन पॉइंट बोनस पॉइंट बोनस पॉइंट बोनस पॉइंट। ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप आज? सब बोनस पॉइंट आपको। आप विनर है, विनर है। अरे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। क्यों हमारा गुस्सा बेचारे पे उतार रही हैं? छोड़ दीजिए। ज्यादा मत कर चल प्रसाद ले। ओ थैंक यू। एक एक ले लो। अरे एक प्रसाद ले लो। ओ ऐसा ये लो प्रसाद खाओ। आप नहीं खाएंगे प्रसाद? लीजिए ना खाइए। अरे पुष्पा जी पर ये प्रसाद किस खुशी में बांट रही हैं आप? वो हसीना मैडम का सस्पेंशन रद्द हो गया ना इस खुशी में हम आज मंदिर गए थे भगवान को भोग लगाने। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी। वही तो वरना ये था ना पहले के जैसा हो जाता ना कोई आता ना कोई जाता सब अपनी मनमानी करते रहते सब अपनी मनमानी करते रहते। अच्छा तो आपको लगता है ये जो थाना चल रहा है ये सिर्फ मैडम सर की वजह से चल रहा है? हा? हम तो यहाँ गिनती बढ़ाने आए हैं। और नहीं तो क्या। वैसे एक बात कहे आपको हमको ना सोच 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 कर ही ऐसा लग रहा है क्या कुछ नहीं सोचा होगा ना आपने। हम थाना जाके ये करेंगे वो करेंगे। आप 50% तो एकदम सही हैं, लेकिन 50% शायद कुछ भूल रही हैं। याद दिलाएं, हम अभी भी यहाँ पे आपकी सीनियर हैं। 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में और उसके लिए ना हमें मैडम सर से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये जो नौटंकी सबका चल रहा है ना ये बंद कर देना। आएंगे वापस सब काम पे लग जाने चाहिए। पुष्पा जी टैलेंटेड हो आप। सुबह सुबह कैसे स्टार्ट हो जाती हो? अरे सुबह जल्दी घर से निकल गई थी ना वो तो सुबह की पहली चाय कौन बनाएगा इस मुद्दे पर हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ तो मन को अच्छा नहीं लग रहा था। अब झगड़ा हो गया मन अंदर से शांत हो गया। शुक्रिया। बदनाम चाय दे। सोशल डिस्टेंसिंग। हमारा चाय है नीम का काढ़ा है। चाय बनाना भूल गए हो क्या? इतना खराब चाय बनाए। बरखुरदार चाय खराब नहीं है आपका मूड खराब है। ये लो इनने ले लिया एकदम उड़ता तीर। अब देखना कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा। पिटेगा पक्का पक्का। चलो हमारा अच्छा टाइम पास होगा। हाँ थोड़ी बहुत चाय तो मुझे भी खराब लगी लेकिन मैंने बोला नहीं। पी पी वरना सरकारी खर्चे पे लेटा देंगे तुझको। बदनाम भाई पियो। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखोगे? ये चौकठा
ये बिगड़ना नहीं चाहिए, और अगर बिगड़ा ना तो ऐसा बिगाड़ेंगे कि शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है, तुम्हारी मैया भी नहीं पहचान पाएगी तुमको, समझे? पी अरे यार, ये पहली पुलिस वाली है जो हमेशा टाइम पे आ जाती है। थोड़ा सा लेट आ जाती तो फिर मजा आ जाता। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये मारपीट के अलावा आपको और कुछ नहीं आता ना करिश्मा सिंह? ये तांबे के बाल वाले लोग, ये हमें शराफत से कहाँ जीने देते हैं? खुद ही मार पिटाई के लिए बुलाएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम सर? आपका और मारपीट का रिश्ता ऐसा है जैसे भालू और मधुमक्खी के छत्ते का। चाहे कुछ भी हो, मौका ढूंढ ही लेता है। अरे क्या कर रही है? चुप कर, चुप। आसना बंद कर अपने। मैंने कहा आसना बंद कर। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी शरारती है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर जोया। इंस्पेक्टर अभी बनी नहीं हूँ, लेकिन अभी से आदत डाल रही हूँ कि नाम के पहले इंस्पेक्टर लगा लूं। तो आप बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती हैं? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है ना, इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बहुत इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो? लगता का है, हम है बहुत इंटेलिजेंट। ओके, तो मेरे एक सवाल का जवाब देकर दिखाइए। अगर जवाब सही हुआ तो इंटेलिजेंट, वरना बुद्धू। बोलिए, मंजूर है? अरे पागल हो गई क्या, कुछ भी बोले जा रही है। अरे नहीं नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल मंजूर है, पूछो। अच्छा, ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? हैं? ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? अम्मा, ऐसा भी कोई चिड़िया होता है का? है, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि आप बुद्धू हैं। नहीं नहीं नहीं, सोचने तो दो हमें। अम्मा चलो, हार मान लिया, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, तुम बताओ। आप कोई भी चिड़िया देख लो, सबके सर पर और पैर होते हैं। अरे हमारे चाय यार। क्या बात है जोया, आप तो बहुत होशियार हैं। हूँ ना, बन सकती हूँ ना इंस्पेक्टर? बिल्कुल। जब ये छोटी थी ना तो बचपन से यही रट लगाई थी, पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, पुलिस की बड़ी अफसर बनना चाहती है। काश ये सपना पूरा हो पाता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा इसके पैसे नहीं दिए ना आपने? जाओ देखे आओ, इससे किडनी की बीमारी। मैं गरीब हूं मैडम, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा मैं कैसे दे सकता हूं? वो तो भला हो डॉक्टर अमन साहब का, वो आज तक अपने खर्चे से हमें दवाई दिलाए चले जा रहे हैं, आखिर वो भी कब तक करेंगे सब? वैसे भी महामारी के समय में अब तो उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, डायलिसिस किए हुए भी बहुत दिन हो गए, दवाइयां भी खत्म हो गई हैं, बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही है। जब मेरी बच्ची को दर्द उठता है ना तो वो मछली की तरह तड़पती है, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। यहाँ थाना दिखाने ले आया, सोचा शायद थाना देखकर कुछ देर के लिए ही सही अपनी तकलीफ भूल जाए। पापा बाकी के पैसे। हाँ बेटा। जोया थाना देखना चाहोगी अंदर से? मैं अंदर से थाना देख सकती हूँ? सच्ची में तुम देख सकती हो? सच्ची मुच्छी। चलो हम तुम्हें ना पूरा थाना घुमाते हैं, चलो आ जाओ। आई
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.